फाइनली जब फ्लैग लगा लिए थे और बोकारो स्टील प्लांट से स्वागत है आप सभी का। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और वेलकम बैक टू बोकारो स्टील सिटी। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं अपन दिलीप भैया के दुकान के लिए। दिलीप भैया की दुकान चलते हैं और वहाँ चल के दिलीप भैया की दुकान दिखाते हैं। चलो। भाई आपके चैनल प्रभात तोमर TOMAR। तो भाइयों, बोकारो सिटी से हम कर रहे थे ब्लॉगिंग, तो भैया लोग देखते देखते आए हमको। हमने भैया ने चैनल का नाम पूछा तो चैनल हमने सब्सक्राइब करवा दिया है। तो बस आप लोग भी प्यार दीजिएगा और शेयर वेयर करिएगा, ठीक है? थैंक यू। वैसे आप लोग देख के आए। चलो थैंक यू भैया। बोकारो सिटी के बारे में अपने दिलीप भैया से कुछ पूछेंगे, बाकी ठीक है। बोकारो सिटी मेरे को तो पसंद आई क्योंकि एकदम भिलाई स्टील प्लांट है ना, बस भिलाई जैसा ही सिटी है। और यहाँ की जो सड़कें हैं वो भी काफ़ी चौड़ी हैं यार। तो वो दोस्तों, ये है दिलीप भैया की दुकान और अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलो, भैया के यहाँ आए हैं तो एक चीज़ को क्या बोलते भैया, चौड़ी सब्जी। तो ऐसा टेस्ट बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया ना, सुपर। हाँ, डुपर। हाँ, मतलब जैसा आप बोले वैसा, उससे भी ऊपर। हाँ, जितना सोचे थे उससे भी ज़्यादा ऊपर। अभी यहाँ से घर के लिए पेड़ा भी लेके जाऊँगा एक के लिए। तो बस बाकी एक खुरमा लेके आए दिलीप भैया। दिलीप भैया, सच में टेस्ट आपके यहाँ का अच्छा है, अच्छा है। और भैया के यहाँ का जो पेड़ा खुरमा ये सब चीज़ें हैं, ये फॉरेन में भी जाते हैं। कहाँ जाते हैं भैया, आप ही बता दो। कुछ देश बता दो। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कौन कौन सा लैंड होता है, वो सारे लैंड और स्विट्जरलैंड ज्यादातर, अरब देश। अच्छा, ज्यादातर ओमान, दुबई, ज्यादातर अरब देश जाता है। क्यों जाता है अरब देश, उसका रीज़न है क्योंकि अरब देश में यहाँ के कम से कम 10,000 लोग यहाँ से वहाँ कार्यरत है ना। तो बस ऐसा कुछ सीन है, तो हमने सोचा बता दे। बाकी भैया के यहाँ का टेस्ट सच में लाजवाब है। हम लोग ने आके टेस्ट किया ये चीज़। चलिए खुरमा टेस्ट करते हैं। ये वही खुरमा है जब हम जाते वक्त टेस्ट किए थे वहाँ से। तो अभी तो ये फिर भी ताज़ा है, फ्रेश है। बाकी यहाँ पे कोयला खूब होता है, तो यहाँ पे जितने भट्टे हैं ना, सारे के सारे ना कोयले में ही यहाँ की सारी चीज़ें रखती हैं। और कोयले का टेस्ट जो पता है हम लोग को अलग हो जाता है, इसलिए भैया के दुकान का जो टेस्ट है ना वो कोई नहीं दे पा रहा है। तो ठीक है, बस अब यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से सीधा बागबहारा निकलेंगे और उसके बाद मैं अगले दिन रायपुर निकलूँगा। बस इतनी ही कहानी है, देखते हैं। बाकी अच्छा नहीं लग रहा है अकेला सब कुछ छोड़ के। तो भाइयों, देख सकते हो दिलीप भैया का प्यार। वाह, अगर ऐसे सब्सक्राइबर मिल जाए ना तो आदमी का जीवन धन्य हो जाता है। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत कम ही मिलते हैं ऐसे इक्का दुक्का। मतलब बोले तो आपका 100 में से 80%। तो ये है ठीक। अरे भैया, आपका प्यार देख के दिल खुश हो गया। देख के लोगों की कैसे भीड़ बड़ी हुई है। बाकी ठीक है। बोकारो सिटी का कुछ खासियत बता दो भैया। पान लोहा बनता है यहाँ पे और ये शैक्षणिक हब है, बौद्धिक शहर कहा जाता है झारखंड का इसको। और बहुत दूर दूर के लड़के यहाँ सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शांति की वजह से आते हैं। ये शांत शहर है, ठीक है। तो दिलीप भैया, ये वाला ट्रिप मस्त रहा आपके साथ, अच्छा लगा हम लोग को। कुछ दिन बहुत खराब लगेगा भाई। अब मेरे को तो, अभी तो मैं भैया लोग साथ जा रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ठीक ही लगेगा, लेकिन दिलीप भैया को छोड़ रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर दिलीप भैया ट्रिप नहीं बनवाते तो हम लोग शायद घूम भी नहीं पाते, सबकी बता। तो बस ऐसा कुछ है। तो बस अब यहाँ से दिलीप भैया से अलविदा लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। भैया चाबी, भैया से गाड़ी हम ले रहे हैं। लास्ट बार यहाँ से अलविदा लेने का वक्त आ गया। आइए भैया, बस्ता जरूर कहना है। हाँ, तो बस अब यहाँ से निकलते हैं। बोकारो छोड़ने का समय हो गया है और दिलीप भैया से भी अलविदा ले लिए हैं, बट अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि मैं तो अभी दिलीप भैया को छोड़ा हूँ, उसके बाद जितेंद्र भैया को छोड़ूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से फिर अकेला जाऊँगा। बिंदास जाएगा तो गाना गाते गाते जाना। 700 किलोमीटर का दूरी जो है, पता नहीं प्रभात ऐस करके भी निकल सकता है, कुछ कहा थोड़ी जा सकता है, कुछ नहीं कहा जाता है कि नहीं। ये 4 लेन सड़क मिली है, तो अभी यहाँ से सीधा रांची जाएंगे, रांची जाने के बाद इसके बाद जाएंगे बागबहारा। तो चलो चलते हैं, जर्नी स्टार्ट हो गई है। और बस मन थोड़ा सा उदास है, इसलिए ब्लॉगिंग में ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखेगा आपको। बाकी जाते वक्त का जो एक्साइटमेंट दिखा आप लोगों को, तो वो तो अलग ही लेवल का। ठीक है, चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो यहाँ पे इतनी भीड़ है कि अच्छा, यहाँ पे हुआ है एक्सीडेंट, टायर फट गया है। पहाड़ों से निकलने के बाद कुछ ऐसे छोटे मोटे पहाड़ मिल रहे हैं, तो अब ये हमको एकदम नॉर्मल लग रहे हैं अपने एरिया में। हाँ, अपने एरिया में आ गए हैं। तो फाइनली हम लोग अब छत्तीसगढ़ में इंटर करेंगे। अभी तो फ़िलहाल झारखंड में है, तो अगर आप सीधा यहाँ से निकल जाएंगे तो आप लोग पहुँच जाएंगे रांची, लेकिन हमको रांची नहीं जाना है। चलो, तो जसपुर 113 किलोमीटर हैं यहाँ से, गुमला होते हुए हम लोग निकलेंगे। और ओके गूगल माता। तो अभी हम लोग पहुँच गए गुमला में। यह हमारा 8वां फ्यूल बैग, तो फ्यूल अप कराते हैं और यहाँ से निकलते हैं। बाकी रास्ते अच्छे आ रहे हैं, तो बस अभी बागबहारा तक का रास्ता देखना है, क्योंकि पिछला वाला जो रास्ता था वो तो हम लोग गलती से इधर उधर से भटक के आ गए थे, लेकिन अभी वाला रास्ता ज़रूर देखना है। बाकी फ्यूल अप करा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पे फ्यूल अप करा लेते हैं, पेट्रोल है ना। और यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 96.98। तो फाइनली जाके अभी हम लोग यहाँ से जसपुर बचा हुआ है 45 किलोमीटर, और हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे हमने लिया है। तो यहाँ पे हमने लिया है सुसु ब्रेक, और काफ़ी ज़्यादा सुबह से चल ही रहे हैं, कम से कम 180 के आसपास हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। बाकी आज का रुकना बागबहारा में होगा, तो बागबहारा रुकेंगे तो बताएँगे आपको। बाकी ठीक है, रहिए। बाकी यहाँ पर हमारी गाड़ी। तो अभी हम लोग रुके हैं शंखडोर माधा डोरी, और ये गेट है बाबा टांगीनाथ धाम जाने का। तो यहाँ से आप टांगीनाथ 57 है, चैनपुर 30 है, और माछ गाँव 65 किलोमीटर है। तो अपने को इधर से वापस फिर से जाना है बागबहार, और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं फलवल। अब लेंगे हम लोग फलानंद। हाँ सर, आ जा रहे हैं। हाँ, सेवा आनंद। तो बस अभी चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। फलवल कटवा रहे हैं, कटवाने के बाद यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली केला सेव लेने के बाद हम निकल चुके हैं वापस बागबहार के लिए। और बागबहार यहाँ से ज़्यादा दूर बचा नहीं हुआ है। जसपुर यहाँ से 31 है, लेकिन अपने को जसपुर पहले पड़ेगा, उसके बाद। और यहाँ से झारखंड की सीमा समाप्त हो गई है। ये नदी का नाम है शंख नदी। तो चलिए फिर कुनकुरी चलते हैं, कुनकुरी से फिर बागबहार। कितना दूरी है यहाँ से बागबहार? होगा लगभग 90-100 किलोमीटर। अब ज़्यादा दूर का सफ़र बचा नहीं है, 80 से 90 किलोमीटर तक का सफ़र है। चलते हैं। बाकी मज़ा काफ़ी आया इस ट्रिप में। बहुत सारी यादों को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन वैसे ही पुरानी यादें ताज़ा होते जा रही हैं, क्योंकि हम 2 साल से कहीं निकले नहीं थे। इतने टाइम के बाद, 2 साल के बाद निकले भी, तो 6-7 दिन घूम घाम के अब वापस जा रहे हैं। फाइनली हम लोग आ गए जितेंद्र के घर और घर पहुंच गए। कितनी खुशी हो रही है ना, मैं ही जानता हूँ, क्योंकि सुबह से निकले हैं बस यही गाड़ी चला रहे हैं। अब थोड़ा सा आराम मिलेगा। और आज का जो थोड़ा सा शाम है ना, वो शाम रात होते होते हम लोग जल्दी पहुंच गए, है ना, नहीं दिक्कत हो जाती। बाकी यहाँ से गाड़ी निकलते तो बहुत देखी होगी आप लोग, आज अंदर जाते हुए देख लो। ये हम नज़ारे वीडियो में देखा करते थे। तो फाइनली घर पहुंच गए, अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये रहा जितेंद्रिया का बगीचा, पूरा बागान, एक से एक फूल, एक से एक फल वल लगाए हैं भैया ने। हम तो वीडियो में देखते रहते हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे वीडियो में। और गाड़ी आने के बाद इतनी ज़्यादा गंदी हो गई ना, इसको मैं सोच रहा हूँ रायपुर में वॉश कराऊँ। देखते हैं कहाँ कराएंगे। वैसे अपना दंतेवाड़ा में तो ये आपका क्या पेड़ है, तोरई? डोट का, हाँ, पूरा फ्लावर। भैया वो वाला पेड़ दिखाओ मेरे को, मैं आपको पूछा था ना, जो छोटा वाला बीज टाइप का जो होता है, आप ऐसे तोड़ के खा लेते थे। हाँ शहतूत, वो कौन सा है? मैं उसको देखा नहीं हूँ आज तक। अरे नहीं, एक दिन भैया ना वीडियो में ऐसे आए, ये शहतूत है, इसको तोड़े और खा गए। मैं बोला ये क्या था। तो देखते हैं, हमने देखा नहीं अभी तक। वो है ये क्या चीज है? अदरक? अदरक नहीं, इलायची बोल के दिया था, लेकिन कुछ इलायची फिलायची तो अभी तक नहीं भाई। इतना बड़ा हो गया है पेड़ जैसा, सब देखना पड़ेगा। और ये है शहतूत, ये है, हाँ नहीं दिया क्या, मैं देखा ही नहीं हूँ। हाँ, ये आपका शहतूत का पत्ता है, बाकी अपन तो देखे नहीं थे। यहाँ पे नींबू, नींबू के ऊपर भी अतिक्रमण कुछ दिन में नहीं था। तो दोस्तों, थक हार के आने के बाद, पूरा बागान देखने के बाद, पूरा का पूरा बागान देखने के बाद इतना अच्छा लग रहा है ना कि अपने घर आ गए वापस, ऐसा लग रहा है। तो अभी बस लाल चाय आनंद लेंगे, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। बाकी कल फिर जितेंद्र भैया को भी अलविदा करेंगे, मुकेश भैया को भी अलविदा करेंगे, फिर हम अकेले होके चले जाएंगे। मैं भी तो अकेले होके जाऊंगा। आपका 1 घंटा 8 किलोमीटर, मेरा 400 कितना है? 400 लग पाएगा, हाँ 400 ज्यादा ही पाएगा, 380 दंतेवाड़ा है। तो बस अभी चाय आनंद लेते हैं और उसके बाद वाला वीडियो को एंड करते हैं। मज़ा काफ़ी आया इस ट्रिप में। बाकी जो भावनाएं हैं वो मेरे घर पहुंचने तक बताऊंगा। फिर अभी जितेंद्र भैया की भावनाओं को आप लोग देखिए उनके चैनल पर। तो जितेंद्र भैया के यहाँ आने के बाद, यहाँ पे ये वाला रूम तो आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में। तो ये रूम बहुत अच्छा लगा था मेरे को, जब मैंने वीडियो में देखा था, तो आज आके साक्षात मैंने भी देख लिया। हाँ, लेकिन आपका वीडियो में ना वाला पोर्शन पूरा वहीं से दिखता है, पता है, ये जैसे वहीं से ज्वाइन है पूरा। हाँ, अलग ही दिखता, हाँ अलग ही दिखता है वीडियो में। हाँ, ये सब मेरे को धीरे से ना पूरा को अच्छे से सेटअप करवाऊंगा। सेजू, आप भी जलाए क्या? आप भी जला खाए क्या? खाए कि फेंक दिए? कड़वा लग रहा था, फेंक दिए हो। कैसा लग रहा है चॉकलेट को जला खाने के बाद? मस्त, कड़वा कड़वा। कौन खाता है? बचपन में हम सब ऐसे उत्पाद कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए ज्यादा सीरियस मत होइएगा। तो फाइनली चाय आनंद ले रहे हैं, वो भी घर की। और यहाँ सौम्य, आर्या, और इसका नाम क्या है भूल जाता हूँ मैं, यही वीडियो में फुल मजेदार है। सेजू, हाँ। बाकी ठीक है, चाय आनंद लेते हैं और ये वाली वीडियो को एंड करते हैं। तो बस चाय वाय नाश्ता वास्ता हो गया। अब हम सोच रहे हैं कि इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे, क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलेंगे। बाकी जब अब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, तब तक हम घर पहुँच चुके होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ से निकलेंगे। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया करना कुछ नहीं है, प्यार से लाइक, प्यार से कमेंट, और अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली किसी बढ़िया सी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।